कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिका कुक हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आपको बता दूं कि अभी जस्ट कुछ समय पहले ही मैंने एक लंबे अंतराल के बाद अपने चैनल को रीस्टार्ट किया है, जिसमें आपको कुकिंग वीडियो के साथ साथ DIY, मेकओवर, क्लीनिंग, हाउस डेकोर, ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल्स और मेरे भगवान की पूजा और श्रृंगार के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कुछ यूनिक और हटके देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। घर का मेन एंट्रेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा घर। जब कोई भी हमारे घर पर आता है तो उसका सबसे पहले परिचय घर के मुख्य द्वार से होता है। अगर घर हमारा बॉडी है तो उसका मुख्य द्वार उसका चेहरा है। अगर मेन एंट्रेंस को सुंदर और साफ सुथरा रखा जाए तो घर में शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो आज का मेरा वीडियो मेन एंट्रेंस के मेकओवर पर ही है, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकओवर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बिफोर का वीडियो दिखा देती हूँ। ये ऊपर जो स्पेस दिख रहा है, इसमें इस तरह से ही कबूतर हमेशा आके बैठते थे और नीचे बहुत गंदा भी करते रहते थे। इस बार हम जब दिवाली में बाहर गए थे तब कबूतर ने अंडे दे दिए थे। उसी में ये राइट साइड में जो बच्चे दिख रहे हैं, उसी अंडे से निकले हुए बच्चे जो अभी बड़े हो चुके हैं। तो मैं जब आई तो मैंने अंडे देख के मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसको फेंकूँ, क्योंकि उसमें उसकी माँ बैठी रहती थी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था कि फेंकूँ, तो मैं उनके बड़े होने का राह देख रही थी। तो उसमें से एक कबूतर उड़ गया है, अब ये एक बच्चा है, तो इसके उड़ने का मैं राह देख रही हूँ। तो ये जब उड़ा तो फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाए। मेरे मिस्टर हमेशा बोलते थे कि पैक कर दो, पर मैं ही कहती थी कि नहीं, रहने दो, जाने दो, बेचारे कबूतर आके बैठते हैं तो क्या होता है। लेकिन उसको गंदगी को साफ कर करके मैं भी इतनी तंग आ गई कि मैंने लास्ट में फिर उसको पैक करने का डिसीजन ले लिया। और फिर उसका ऊपरी जो भाग है उसको पूरी तरह से फिर हमने पैक करने का सोच लिया मैंने। तो सबसे पहले इसके ऊपर के डिज़ाइन के हिसाब से कार्डबोर्ड को कटिंग करके हमने फिक्स करवा लिया, और ज़्यादा प्रकाश आने के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लाइटिंग भी लगवाई। मैंने 3 एक्स्ट्रा बल्ब लगवाने का डिसीजन लिया। यहाँ पर मैंने सनमाइका लगाने के बजाय कुछ पेंटिंग करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने दिमाग में जंगल थीम सोच के रखा था। मुझे बाहर का एंट्रेंस जंगल थीम के हिसाब से बनाना था, तो दैट्स व्हाई मैंने कुछ पेंटिंग करने का सोचा। तो ये हमारे फैक्ट्री में ही काम करते हैं, रात से करें, इनकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मिस्टर ने इनको ही कहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या बनाना है। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे लीफ बना के दीजिए, लीफ की वेल बनाई है। तो देखिए बहुत सुंदर वेल इन्होंने बनाई है। ये जो बीच का भाग है, यहाँ पर मैंने उनको कलश और नारियल बनाने को कहा था, जो एक शुभता का प्रतीक होता है। तो एंट्रेंस में कोई एक शुभ चिन्ह रहना बहुत अच्छा रहता है, तो ये जगह भी था, तो मैंने इसलिए उनको कलश और एक नारियल बना के एक शुभ चिन्ह बनाने को कहा था, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया। यहाँ पर उन्होंने बीच के पार्ट को पिंक कर दिया था, जो वाइट था पहले उसको पिंक बना दिया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैंने उनको फिर से वाइट करने को कहा, तो उनका काम डबल हो गया था, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो देखिए उसके बाद में वो कितना अधिक सुंदर दिख रहा था। पेंटिंग होने के बाद मैंने डोर और सारे एंट्रेंस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। ये मैंने एक प्लांटर लाया है एंट्रेंस में लगाने के लिए। मैंने दिमाग में जंगल थीम करके रखी, क्योंकि मैंने ये वेलकम टू और नेस्ट जो स्टिकर है जो मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने उस हिसाब से नेस्ट ही बाहर का पूरा भाग जंगल थीम के हिसाब से ही करने का सोचा है। तो इस प्लांटर में मैं ये आर्टिफिशियल प्लांट लगा दूँगी। मैंने कलर का थीम भी वाइट एंड ग्रीन ही सोचा है, तो उस हिसाब से मेरे थीम के हिसाब से मैं कलर का चूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसे अलग अलग प्रकार के वेल, ये वेल है जो उसको भी मैंने इसी में लगा दे रही हूँ। ये ओम का एक चिन्ह है, इसे भी मैं एंट्रेंस में ऊपर की ओर लगा दे रही हूँ। ये मैं मैक्रेम का सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर ले रही हूँ। इसमें ये सेरामिक का ब्यूटीफुल डिजाइन का पॉट लिया है मैंने, और ये सुंदर सा व्हाइट कलर का मेरी थीम के हिसाब से फ्लावर लिया है, आर्टिफिशियल फ्लावर। इसको मैंने इस सेरामिक के पॉट में डाल दिया है और इसे इस प्लांटर में रख दे रही हूँ।
देखिए कितना अधिक खूबसूरत दिख रहा है ये। इसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है एक साइड में। ये प्यारा सा नेस्ट ले रही हूँ, अब जंगल थीम है तो इस तरह के नेस्ट तो चाहिए ही। और उस पे रखने के लिए मैं ये प्यारे से रंग बिरंगे स्पैरो मैंने लाए हैं, देखिए कितने प्यारे कलरफुल स्पैरो है। तो उसको मैं इस नेस्ट में लगा दे रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसे भी मैंने वॉल के एक साइड में हैंग कर दिया है। सूर्य के ऊपर मैं ये आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट रख रही हूँ। मैं ये रैक के माप के हिसाब से कटिंग करके मैंने इसे लेके आई थी। और ये प्यारा सा प्लांट रख रही हूँ। मैंने इसके पॉट भी ग्रीन कलर के लिए, क्योंकि मेरा ग्रीन वाइट ही थीम है। अगेन एक प्लांट, और जंगल थीम है तो थोड़ा सा प्लांट ज़्यादा रहेगा तो भी वो अच्छा लगेगा। और इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसके चारों तरफ मैं वाइट कलर के स्टोन से इसे सजा दे रही हूँ, डेकोरेट कर दे रही हूँ। ये शुभ लाभ का चिन्ह है जिसे मैं डोर के सामने लटका दूंगी, जो कि एक शुभता का, पॉजिटिवनेस का प्रतीक है। डोर के ऊपर के साइड में मैं ये आर्टिफिशियल वेल लगा रही हूँ उसकी ग्रीनरी को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए। ये मैरीगोल्ड के पेटल्स है जिसे मैंने तोड़ लिए हैं और इसे चारों तरफ मैं फैला दे रही हूँ। इसकी जो सुगंध होती है बहुत ही सुंदर आती है, तो जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल या कुछ खास दिन रहता है तो मैं इस तरह से फूलों से सजाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो अलग ही खुशबू आती है, जो महक, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रिय है। ये बहुत ही सुंदर पॉट है जिसमें मैंने पानी डाल दिया है और रोज़ के पेटल्स और अलग अलग खुशबूदार फूलों के पेटल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे मैं एक साइड में रख दूँगी। ये एक शुभता का प्रतीक होता है। जब पांच तत्व आकर जब एंट्रेंस में जब आपके मिलते हैं तो एक एक अलग ही ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है। पांच तत्व में अग्नि, जल, थल, वायु और आकाश, ये पांच तत्व होते हैं। तो मुख्य द्वार में इनका मिलना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। देखिए ये अग्नि के रूप में मैं एक कैंडल रख रही हूँ उस पानी के अंदर में। कैंडल या दिया आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप रोज़ नहीं भी कर पाए तो किसी त्यौहार में या किसी खास दिन में ऐसा जरूर कीजिए, आपको इसका एक अलग ही अनुभव मिलेगा, एक अलग ही पॉजिटिवनेस हमारे एंट्रेंस को घेर लेती है। ये पाम्बम का प्लांट है, इसे मैं डोर के सामने रख दूंगी। ये मैं लिविंग रूम के वीडियो में जिस स्पॉट के मैं बताया था मैंने, ये वही प्लांट है, इसे मैंने इस प्लांट में शिफ्ट कर दिया था। एंड दिस इज द फाइनल लुक।